महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के राम जनार्दन मंदिर की बावड़ी पर स्थित शिवेश्वर महादेव 84 महादेवों में 37वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्म कल्प में रिपुंजय नामक प्रतापी प्रजापालक राजा महाकाल वन में शासन करता था। उसके प्रताप के कारण शिव महाकाल वन में नहीं जा सके। तब उन्होंने गणपति को बुलाकर कहा कि जरा महाकाल वन में जाकर उसके राज्य को देखो। गणपति जी एक वैद्य का रूप धरकर महाकाल क्षेत्र में पहुंचे। वे यहां 14 वर्ष रहे, परंतु उन्हें राजा के अंतःपुर में प्रवेश नहीं मिला। उसके बाद एक दिन राजा की रानी निर्जरा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपनी दासी सुनंदा को उस वैद्य को बुलाने भेजा। सुनंदा ने वैद्य से गुप्त रूप से अंतःपुर में चलने को कहा। तब वैद्य ने मना कर दिया और कहा कि मैं राजा की आज्ञा के बिना अंतःपुर में नहीं जा सकता हूँ। दासी ने वापस आकर यह बात रानी को बता दी। तब रानी के पूछने पर दासी ने बतलाया कि तुम बीमार बनने का बहाना करो, इस पर राजा वैद्य को अंतःपुर में आने की आज्ञा दे देंगे। इसी बीच राजा अंतःपुर में गए। उन्होंने रानी को दुखी देखा। तब उन्होंने रानी से दुख का कारण पूछा तो रानी ने बतलाया कि मेरे पुत्र नहीं है, पुत्र के बिना संसार सूना है। यहाँ नगर में एक भिक्षुक आया है, वह लोगों की कामना पूर्ण कर देता है। राजा और रानी नगर के बाहर उस भिक्षु अर्थात वैद्य के पास गए। उनके देखते ही वह भिक्षु शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने लिंग की पूजा की और पुत्र की याचना की। लिंग से आवाज आई कि राजन, तुम्हें यशस्वी पुत्र प्राप्त होगा। इसके पश्चात शिवजी मद्रांचल से उस स्थान को देखने आए। उन्होंने इस लिंग को शाश्वत स्थान दिया। यह लिंग मार्कंडेश्वर के उत्तर में है, इसे शिवेश्वर कहते हैं। शिवेश्वर के पूजन से पाप दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।